बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 6। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट वन मैंने लिखा हुआ है पी प्लस क्यू ब्रैकेट में माइनस फिर राउंड ब्रैकेट में 2r - 3s फिर प्लस फिर राउंड ब्रैकेट में पी प्लस 5s। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन ही लिखना होता है पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस 2r - 3s ब्रैकेट क्लोज प्लस पी प्लस 5s ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे पी प्लस क्यू। अब ये याद रखें जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, लिखेंगे माइनस 2r, इसके साथ प्लस साइन ऑलरेडी होता है जिसके साथ ना लिखा हो, प्लस 3s प्लस पी प्लस 5s। अब हम इसको लिखेंगे अरेंज द टर्म्स हैविंग लाइक वेरिएबल्स। अब लाइक वेरिएबल स्टूडेंट ये आ जाएगा p, ये हो गया ये प्लस p। साइन का ख्याल रखना आपने, जो वेरिएबल होता है उसके पहले साइन होता है फिर आगे वेरिएबल या नंबर लिखा होता है। फिर आ जाएगा इसमें प्लस q, देखते हैं और q है और q नहीं है कोई। फिर आ जाएगा माइनस 2r, और कोई है r का वेरिएबल नहीं है। फिर प्लस 3s फिर प्लस 5s। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये p प्लस पी इसके साथ 1 है इसके साथ 1 है, साथ p आ जाएगा प्लस q माइनस 2r प्लस 3 प्लस 5 ब्रैकेट लगा के साथ ऐसे लिख देंगे। अब इक्वल टू 1 प्लस 1 2p प्लस q माइनस 2r 5 प्लस 3 8 प्लस 8 साथ ऐसा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था इसका पार्ट वन, अब हम करेंगे पार्ट सेकेंड। एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस फिर ब्रैकेट में 5x प्लस 3x माइनस 4, और ये जो 3x माइनस 4 के ऊपर बार लगा हुआ है या जिसको आप लेटर भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन वैसे ही लिखें एक दफ़ा, एक्स प्लस वाई माइनस 5x प्लस 3x माइनस 4 इसके ऊपर बार। तो डमॉस मेथड में या बोर्ड मॉस मेथड में हमने पढ़ा है कि पहले बार वाले को सॉल्व करेंगे फिर राउंड ब्रैकेट को। अब बार को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस अब ये 5x। अब बार से पहले इसका मतलब ही एक राउंड ब्रैकेट होती है छोटी सी, तो ये प्लस साइन है कोई साइन चेंज नहीं हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 4 ये। अब हम इस ब्रैकेट में या तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें या फिर इसको ओपन करके फिर सॉल्व कर लें, इट डिपेंड अपॉन यू। हम एक्स प्लस वाई माइनस अभी मैं इसके अंदर ही इसको सॉल्व करूँगा 5 + 3 8x - 4। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, एक्स प्लस वाई साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 8x प्लस 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये एक्स अरेंज कर लिया माइनस 8x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू ये एक्स माइनस 8x माइनस 7x प्लस वाई प्लस 4। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर। क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट करते हैं, 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 4 फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 ऊपर बार लगा हुआ है या जिसे हम लेटर भी कहते हैं, प्लस y फिर फ्लावर ब्रैकेट क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस फ्लावर ब्रैकेट 2x माइनस राउंड ब्रैकेट माइनस 4
और एक्स माइनस टू इसके ऊपर बार प्लस वाई और ये फ्लावर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू। अब पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, ये जो लेटर लगा हुआ है राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब हम लिखेंगे सिक्स एक्स माइनस ये थ्री एक्स प्लस फ्लावर ब्रैकेट टू एक्स। अब ये माइनस फोर है, इससे मल्टीप्लाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बार को ओपन करते हैं पहले, माइनस फोर। बार को ओपन करने का मतलब यही है कि ये वैसे ही वैल्यू आ जाएगी, प्लस वाई। अगर यहाँ कोई साइन होता और डिफरेंट तो फिर हम इसका साइन चेंज करते, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, अभी माइनस फोर बार है, इसको ही हमने ख़त्म किया, तो ये वैसे लिख देंगे इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट थ्री एक्स प्लस फ्लावर ब्रैकेट टू एक्स। अब स्टूडेंट ये माइनस फोर जो है इस राउंड ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाइड होगा। जब माइनस साइन बार हो तो फिर अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब एक्स के साथ जिसके साथ कोई साइन ना लिखा हो तो ऑलरेडी प्लस होता है, माइनस फोर मल्टीप्लाइड प्लस एक्स, तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा, माइनस फोर एक्स। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा ये माइनस माइनस, माइनस जब साइन माइनस से मल्टीप्लाइड होगा, या सेम जब साइन मल्टीप्लाइड होते हैं तो आंसर प्लस आता है, फोर टू ज़ार एट आ जाएगा। और फिर प्लस वाई, और इस प्लस का ख्याल करना है, ये ना हो कि इसके साथ वाई लिखा जाए तो गलत हो जाए। फिर ये फ्लावर ब्रैकेट और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हम लिखेंगे सिक्स एक्स माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। एक तो ये तरीका है कि इसको ही सॉल्व कर लें पहले, या फिर ये है कि इस ब्रैकेट को ओपन करते जाएँ और एक ही स्टेटमेंट बना लें, प्लस साइन बाहर है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ लिख देंगे टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एट प्लस वाई ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ये माइनस साइन है, अब स्क्वायर ब्रैकेट इसको हमने ख़त्म करना है, माइनस साइन है ये साइन चेंज हो जाएंगे, सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट माइनस वाई और ये ब्रैकेट ख़त्म होगी। अब हम इसको करेंगे अरेंज, अरेंज द लाइक टर्म, ये आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस एट माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये पहले ऑलरेडी अरेंज था, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वेरिएबल एक्स के साथ है, हम लिखेंगे सिक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में और माइनस टू प्लस फोर, ये फिर माइनस एट माइनस वाई। अब सिक्स माइनस थ्री थ्री, थ्री माइनस टू वन, वन प्लस फोर फाइव, या फिर आप ये प्लस फोर और प्लस सिक्स को टेन करें, और प्लस फोर और प्लस सिक्स को जब प्लस करेंगे तो टेन आ जाएगा, टेन में से माइनस फाइव करेंगे तो फिर भी फाइव आ जाएगा, और साथ यहाँ है वेरिएबल एक्स, ये आ जाएगा फाइव एक्स माइनस एट माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। आप कोशिश करें जब क्वेश्चन हो तो उसको अंडरस्टैंड करें कि पहले कौन सा स्टेप करना है, अपने बोर्ड मास रूल को याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।